नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज, चंदन स्वामी के साथ। जयपुर में राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर कालबेलिया नर्तकियां मीना सपेरा ना नया सॉन्ग मैं बेटी राजस्थान की रग रग में राजस्थान बसे लॉन्च हुआ है। गाने को बियानी कॉलेज के सभागार में मुख्य अतिथि सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा ने रिमोट दबाकर रिलीज किया। लॉन्चिंग सेरेमनी के दौरान मीना सपेरा ने साथी कलाकारों के साथ लाइव परफॉर्मेंस भी दी है। कार्यक्रम में हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन संजय बियानी भी मौजूद रहे। लॉन्चिंग सेरेमनी में संबोधित करते हुए विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि कालबेलिया कलाकार ही राजस्थान की संस्कृति के संरक्षण के वास्तविक प्रणेता हैं, यही हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि गाने के लिरिक्स राजस्थान की वीरंगना को समर्पित है। मीना सपेरा के अभिनय ने इसको जीवंत कर दिया है। शर्मा ने कहा कि सपेरा समाज के कलाकार जब नृत्य करते हैं तो कभी पूरी आंख नहीं खोल पाते, क्योंकि उस दौरान इनमें नाग नागिन का प्रवेश हो जाता है। ये देवी शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए इनके भाव मन मोह लेते हैं। वहीं बियानी परिवार राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में आध्यात्मिक को परोस रहा है। मुख्य कलाकार मीना सपेरा ने कहा कि मैं 5 साल से उम्र से नृत्य कर रही हूँ, लेकिन राजस्थान की कला संस्कृति अब पूरे विश्व में पसंद की जा रही है। हमारे प्रदेश में शक्ति, भक्ति और संस्कृति का जो संगम है वो अद्वितीय है। यश सपेरा ने कालबेलिया कलाकार समुदाय और नृत्यांगनाओं को संरक्षण की जरूरत पर पूरा जोर दिया है। इस गाने में न केवल राजस्थान की संस्कृति को बताते हुए संस्कारों की बात की है, बल्कि मीराबाई पन्नाधाय पद्मावती के समर्पण को भी उजागर किया है। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने मीना सपेरा के अभिनय को सराहते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की थीम आधारित गाने की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी है। इससे पहले बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन संजय बियानी ने विधायक गोपाल शर्मा का साफा पहनाकर स्वागत किया और कहा कि ये राजनेता कम पत्रकार होने नाते एक शिक्षक की भूमिका में ज़्यादा रहते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज की छात्राओं के द्वारा परफॉर्म काजलियो गाना आज 141 मिलियन व्यूज पार कर चुका है। साथ ही उम्मीद जताई है कि यह नया गाना भी लोकप्रियता का नया रिकॉर्ड बनाएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करेंगे, रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। हम भी बहुत मेहनत से मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं 5 साल की उम्र से डांस कर रही हूँ। मैंने बेटी को देख के डांस सीखा और हमें विरासत से हमारा कालबेलिया डांस मिला हुआ है। तो ये जो गाना बनाया है हमने, ये बेटियों के ऊपर बनाया कि बेटी क्या कुछ नहीं कर सकती है। बेटी जो पद्मावत है, मीराबाई है, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो हमारी राजस्थान की और हर देश की महिला, वो लोग, कोई बेटी पढ़ाई कर रही है, कोई बेटी कैसे आगे बढ़ रही है, तो मैं सब जो भी महिला है उनको सबको यही बोलूँगी, बस मेहनत करती रहो और आगे बढ़ रही है। बेटी राजस्थान की के मैं वर्ल्ड के 50 देशों में मैं जा चुकी हूँ और जो राजस्थान से सम्मान मिलता है, राजस्थान का कल्चर इतना अच्छा है कि हम बाहर विदेश जाके वो चीज़ें देख पाते जो राजस्थान में देखते हैं। कि यहाँ की जैसे बेटियाँ होती है, घूंघट में भी रहती हैं तो वो एकदम से वो गुस्से वाली भी हो जाती है, बोलते हैं जैसे चामुंडा रूप भी हो जाता है उनका, बेटियों का। तो बस यही कहना चाहूँगी कि राजस्थान की बेटियाँ हर देश में बस अपना काम करें और अपने अनुभव से वो जिए।